लोग पूछते हैं हमसे कि भाई आपके आपका हेल्थ के बारे में क्या कहना है, गीता में कुछ हेल्थ के बारे में दिया है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके मिशन में हेल्थ के बारे में क्या कहना है। श्रील प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया था कि वेल, प्रभुपाद ने कहा था हेल्थ वेल्थ क्या होती है। प्रभुपाद ने कहा था कि हम जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हैं, सबसे पहले ये समझो, हम मर जाएंगे ये समझो। और श्रील प्रभुपाद ने कहा था किम तरवाना जीवन, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि अगर हेल्थ बना भी लोगे तो फ़ायदा भी क्या होगा। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये अश्वत्थ का पेड़ है, यहाँ पर 5,000-6,000 साल पुराने पेड़ होते हैं, मगर फ़ायदा ही क्या हो गया। सो हेल्थ के बारे में गीता में दिया है ज़रूर। छठे अध्याय में कृष्णा कह रहे हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सऊ। मैंने भी बहुत सारे सेमिनार दिए हैं हेल्थ के बारे में। कृष्णा कह रहे हैं अपना अपना आहार अपना विहार बैलेंस करो, सतोगुण का खाओ, रजोगुण तमोगुण में मत खाओ। कई लोग बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं गीता से, देखिए सतोगुण का खाना ये होता है, तमोगुण रजोगुण का खाना, रजोगुण का खाना मिर्च वाला उत्तेजित होता है, तमोगुण का खाना जो होता है वो 4-5 घंटे वाला बासी वाला होता है। सतोगुण में खाना खाना चाहिए जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, जिसमें घी है, जो कि अच्छी तरह कुक्ड है। सारी चीज़ें हैं गीता में, मगर गीता में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि हेल्थ सही रखनी है। गीता में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्थ क्यों सही रखनी है। हेल्थ सही रखने के लिए तो आप आयुर्वेद कर लो, आप योगा कर लो, रामदेव बाबा के पास चले जाओ, वो सिखा ही रहे हैं सब हेल्थ। गीता में क्या है, हमसे पूछा गया था कि आप क्या कहते हो हेल्थ के बारे में। गीता में हेल्थ क्यों सही रखनी है वो बताया गया। हेल्थ क्यों सही रखनी है, हेल्थ इसलिए सही रखनी है कि जिससे हम भगवान की भक्ति कर पाए, अदरवाइज हेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये गीता और भागवतम कह दिया। अदरवाइज तो लंबी आयु तो देवी देवताओं के भी करोड़ों साल जीते हैं वो देवी देवता, मगर करते क्या हैं, भोग करते हैं, तो उनकी लाइफ का फ़ायदा ही क्या। इसलिए शास्त्रों में लिखा है एक लंबी लाइफ बिना भक्ति का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा है छोटी लाइफ हो जिसमें भक्ति हो। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है शंकराचार्य जो थे, जो उनकी मदर थी, उनके पास भगवान शिव जी आए और शिव जी ने कहा वरदान मांगो। तो उनकी वाइफ को पुत्र की बहुत इच्छा थी, पुत्र नहीं हो रहा था उनकी मदर को। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप पुत्र ले लो छोटी आयु का मगर वो बहुत बड़ा काम कर देगा, बहुत प्रचार करेगा भगवान का, या आप एक पुत्र लो बहुत लंबी आयु का मगर वो कुछ प्रचार नहीं करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम मांग लो। तो उन्होंने पहला ऑप्शन मांगा कि छोटी आयु वाला पुत्र चाहिए जो संसार में बहुत ज़्यादा काम कर दे, संसार का कल्याण कर दे। शंकराचार्य जी सिर्फ 32 ईयर्स इस धराधाम पे रहे, मगर उस 32 साल में उन्होंने भारत का हुलिये बदल दिया, सारे बुद्धिज़्म और सारे कर्म कांड को हमेशा हमेशा के लिए भारत से निकाल दिया। सो इसीलिए हेल्थ वैसे भी ख़राब भी हो जाए तो कोई, अगर भगवान की सेवा करते करते हेल्थ ख़राब भी हो जाए तो वो भी मंजूर है। श्रील प्रभुपाद ने बोला था, श्रील प्रभुपाद को हार्ट अटैक पड़ गया था। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे प्रीचिंग करने, हार्ट अटैक पड़ा, ब्रेन प्रॉब्लम्स हो गई थी। प्रभुपाद बार बार इंडिया आए थे अपनी हेल्थ ठीक करने। प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद आप आराम से बैठ जाइए, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। प्रभुपाद ने कहा हेल्दी रहकर और भगवान की सेवा ना करके उस हेल्थ का फ़ायदा ही क्या। भगवान की सेवा में अगर हेल्थ ख़राब भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी हम हेल्थ कब तक बचा लेंगे। बीमार तो हो गया आप, कितने ही जूस वूस पी लो, कितने ही नाक रगड़ लो, कितने उल्टा पुल्टा लटक जाओ, मगर भगवान की कृपा होगी तो हेल्थ हमेशा ठीक रहेगी। और हेल्थ ख़राब भी हो जाए तब भी स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, बॉडी तो आती जाती रहती है। शिला प्रभुपाद ने बोला, इसलिए गीता में हेल्थ की बात की है, मगर बॉडीली हेल्थ की नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की है। अगर स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बॉडीली हेल्थ बनानी है तो ठीक है, अगर स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब है, आध्यात्मिक आत्मा की हेल्थ ख़राब है, तो बॉडीली हेल्थ का, शरीर की हेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं। ये गीता का संदेश है। हरे कृष्ण।